नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो सीढ़ियाँ मैंने बनवाई थी तो उसके नीचे क्या हुआ कि पूरी जगह खाली है। तो कहते हैं कि सीढ़ियों के नीचे बहुत ज़्यादा कबाड़ा नहीं रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से भी थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। बट वही है ना कि अगर नीचे जगह है तो हम एक दिन सजा के रखें, दो दिन, तीन दिन, फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें आ ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि वैसे भी आइडिया निकाला कि अगर हम यहाँ पर जो इनडोर प्लांट्स के गार्डन बना दें थोड़ा पेबल्स डाल के, तो यहाँ कोई सामान कोई रखेगा ही नहीं। मैं रोज़ कुछ ना कुछ हटा के आऊँगी, कोई ना कोई जाता है, कुछ ना कुछ रख के आ जाता है। तो अगर वहाँ गार्डन बना देंगे तो एक तो जो इंडोर प्लांट्स हैं वो हमारे वहाँ सेफ रहेंगे और साथ के साथ ऑक्सीजन भी देंगे और वास्तु के हिसाब से भी सही हो जाएगा। तो चलिए आज वहीं की साफ़ सफाई करेंगे, वहाँ छोटा सा गार्डन बनाएंगे। तो चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं और क्या नया कर सकती थी वहाँ पर या कर सकती हूँ अभी भी। तो चलिए देख लेते हैं और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो एक बार मैं आपको यहाँ का लुक दिखा दूँ। ये मेरे सीढ़ी के नीचे का जो बाहर वाली सीढ़ी है, जैसे मतलब मेरे घर में दो सीढ़ियाँ हैं, आपने देखी होगी, एक अंदर से जाती हैं जो हमारे लिए है, ये बाहर बाहर से हैं जो कि किसी मतलब बाहर से कोई काम वाम लगे तो उसके लिए बनवाई है मैंने। तो ये बाहर वाली सीढ़ियों का एरिया है और देख सकते हैं ये अभी का कैसा लुक है। वहाँ पर इन्वर्टर रखा है, वहाँ पर वैसे पाइपलाइन आ गई है तो फिर सिलेंडर एक एक्स्ट्रा हमने रखा है, कभी अचानक से ख़राब हो जाता है, आती नहीं गैस। वो ड्रम है, वो इन्वर्टर है, नीचे वहाँ देख सकते हैं एक मोटर है, आपको दिखा दूँ वहाँ से। और ये चप्पल जूते जो डेली यूज़ में शाम को वॉक पे या फिर ऐसे कैजुअली में सबके एक एक हैं यहाँ पे, तो ये अच्छे नहीं लगते सीढ़ियों के नीचे मुझे। बट मेरे हाथ में तुरंत ही चोट लग गई तो मैं कुछ कर नहीं पाई। तो अभी यहाँ पे मैं जो है पूरा अच्छा सा डेकोरेट करूँगी। क्या क्या सामान लिया है वो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिया है इसको सजाने के लिए, यहाँ से दिखाती हूँ। ये लाइट्स हैं, फेरी लाइट जो बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का है, रखा था मेरे पास तो मैंने सोचा है पत्तों पे अच्छे लगते हैं। ये जो दिवाली पे लाइट जलाते हैं वो है, दो ले लिया है मैंने। वो एक लैंप मंगाया है मैंने कलरफुल थोड़ा सा सजाने के लिए। ये वाला एक अरोमा डिफ्यूज़र है इलेक्ट्रिक, ये मंगाया है यहाँ के लिए। ये जो गिट्टी आप देख रहे होंगे, ये घर जब बना था मेरा तो बचा है बहुत सारा, नीचे रखा था मैंने, सब वॉश करा के धुलवा के छत पे अपने रखवा लिया है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहेंगे। ये पेबल्स हैं वाइट और ये सारे फूल हैं, देख सकते हैं आप, ये इसमें सारे रियल हैं। एक वही बस नीचे जो रखा है ये वाला, ये आर्टिफिशियल है। तो इसको देखते हैं कि मैं वहाँ इन्वर्टर के पास शायद यूज़ करूँ क्योंकि वहाँ पानी कम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे रखेंगे एक शूज़ स्टैंड बनाएंगे कि जो ये जूते चप्पल बाहर है वो अंदर रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने, सबसे पहले हम यहाँ जो नीचे का एरिया है इसको हटा, ये पहले चप्पल उप्पल हटा के पहले देखेंगे, साफ़ करेंगे अच्छे से, फिर यहाँ करके फिर हम साइड में आएंगे। तो अभी मैंने ये पूरा साफ़ कर लिया है और अब यहाँ पर सबसे पहला काम हम करेंगे, ये लाइट्स जो हैं ये मैं नापूंगी और नीचे यहाँ बिछाऊंगी पूरा, वहाँ से लेके फिर चारों तरफ बिछाऊंगी। तो उसके लिए मैंने लिया है एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि इससे क्या है थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे हैं दो सॉकेट यहाँ, बट अगर दो में दो एक्सटेंशन बोर्ड लगाऊंगी तो छः सॉकेट मिल जाएंगे मुझे। तो अभी मैं पहले इसको फैलाती हूँ एक एक लाइट, क्योंकि लाइट ही ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे कैंडल तो हम कभी कभी ही जला पाएंगे, हर टाइम तो जला नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैक्सिमम अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे लाइट का किया है। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरी लाइट फैला ली है, आप देख सकते हैं अभी से इतना प्यारा लग रहा है, मोटर की तरफ से चारों तरफ से करके ऐसे फैला लिया है लाइट अभी। और ये जो एक एक पेबल्स हैं वो रख दिए हैं मैंने पत्थर, क्योंकि ये थोड़ी जो वायर है लाइट की ना वो अपनी अपनी स्पेस ले लेगी फैल के, बहुत दिन से फोल्ड करके रखा था तो मुड़ गया है और अब बहुत अच्छा ये लग रहा है। और ये जो टुकड़े आप देख रहे हैं, जो घर में मेरे पत्थर छोटे छोटे बचे थे ना, उन सबको मैंने यहाँ पे लगवा दिया है, जो लगवाने पे कटिंग बचती है उससे एक प्लेटफॉर्म बन गया मेरा यहाँ, तो इसको सफाई करना भी बहुत ईजी रहता है। तो अब चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अभी मैंने इन्वर्टर के सामने रख दिया है ये शूरैक, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और इन्वर्टर एकदम ढक गया है। तो पीछे हम लगाएंगे लाइट और प्लांट इन्वर्टर के ऊपर, जिसकी शेडिंग इधर आए। और इधर आप देख सकते हैं मोटर छुपाने वाला काम मैंने कर दिया है यहाँ पे अभी प्लांट रख के। अब चलिए पेबल सजाते हैं, थोड़ा गार्डन बनाते हैं।
तो अब फाइनल रेडी है दिखाने के लिए पूरा लुक, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। शाम के 4 बज रहे हैं, अभी मैं लगी थी 11 बजे से, बहुत बड़ी वाली तगड़ी वाली मेहनत हुई है, बट जो लुक आया है ना मैं आपको दिखाऊंगी ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपको कॉर्नर से एक एक चीज़ करके दिखाती हूँ। तो सबसे कॉर्नर से नीचे से मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ, देख रहे हैं आप। और जो लाइट की रिफ्लेक्शन है, जो लाइट का जो नीचे मैंने बिछा रखी थी, वो इतना बढ़िया आ रहा है। और जो छोटे पेबल्स हैं वो गिट्टियों के बीच बीच में मैंने डाल दिया है, तो एकदम कंट्रास्ट सा लुक आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से फिर मोटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा छिप गया है एकदम। अब यहाँ आते हैं, ये पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे पूरा फैला के पेबल्स जो अच्छे से फूल बनाऊंगी, बट मुझे याद आया कि यहाँ तो रोज़ सफाई करनी है ना, ये तो हमारा जो ऊपर का प्लेटफॉर्म बना है ये सफाई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम ब्लोअर चला देंगे, मतलब जो वैक्यूम क्लीनर का ब्लोअर होता है, तो डस्ट निकल जाएगी, बट यहाँ पे तो हमें रोज़ साफ़ करना है। तो मैंने क्या किया, जो बड़े वाले पेबल्स थे उसके एक बाउंड्री सी बना दी है कि वो सरकेंगे नहीं। और अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये इन्वर्टर कहाँ छुपाया है। तो ये अब यहाँ से मैं आपको एक लुक दिखा दूँ कि ये सामने वाला है, यहाँ पे शू रैक हो गया है, सारे जो जूते चप्पल वहाँ थे मैंने यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि डेली यूज में चाहिए होते हैं तो सब अंदर बार बार जाके शू रैक से नहीं निकाल सकते बड़े वाले, तो यहाँ अब डेली यूज के कर दिए मैंने। सामने दिखा दूँ, मैंने एरिका पाम रख दिया है, और अंदर क्या क्या रखा है पहले वो चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वो इलेक्ट्रिक अरोमा डिफ्यूजर था वो मैंने लगा दिया है, इसको रात, अभी तो उतना कम रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्योंकि दिन है, रात में इसका बहुत अच्छा आएगा, और इस पर डाल दूँगी मैं कुछ भी तो अच्छे से खुशबू आएगी। यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ इन्वर्टर है, और जो रियल प्लांट होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, तो उस पर नहीं रख सकती थी मैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया जो है आर्टिफिशियल प्लांट। ये भी सेम एरिका पाम जैसा ही लगता है, बहुत प्यारा लगता है, और वो बल्ब भी मेरा छुप जाएगा, वो बल्ब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। और उसके बाद ये एरिका पाम आप देख ही सकते हैं यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे मैंने शू रैक के ऊपर एक ये रख दिया है, ये भी रात में इसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आता है। तो सब मिला के मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो यूज़ की चीज़ें हैं वो मैंने इस ड्रॉअर में रख दी हैं नॉर्मल यूज़ की, और यहाँ पे बढ़िया सा लुक आ गया है। और मेन पर्पज मैं आपको दिखाती हूँ बाहर चल के, कि बाहर से जब भी कोई आता था तो सीधे जो है यहाँ पे सीढ़ियों पे जो है उसका ध्यान जाता तो बहुत बेकार लगता था। तो अब चलिए मैं बाहर से दिखाती हूँ आपको। अभी बाहर से जो है ये शीशे का जो विंडोज़ पूरा शीशा लगा है, तो जो भी आता है बाहर से वो दिखता है। अब कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब बता नहीं सकती कि नज़र जाएगी, तो एक जो हती होती है ना जैसे हैप्पी वाली फीलिंग कि हाँ हम कुछ भी ऐसे देखें तो बहुत सारे जूते चप्पल रखे हैं और एक देख लिया अच्छा सा गार्डन है, वो वाला लुक आ रहा है, वो वाली फीलिंग आ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे करके मैं अपना एक एक चीज़ मैं कवर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मंगाई भी हैं मैंने। तो बस ये है लुक फाइनल, देख लीजिए। और एक एक करके अब मैं बनाने वाली हूँ अपने सारे मेकओवर जो भी रह गए थे। जैसे घर में घुसी कुछ ना कुछ चलता रहा तो उतना नहीं हो पाया, और सच में कैमरे में कैसा भी आया, रियल में इतना प्यारा लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दूर से एक बार दिखाऊँ आपको पूरा लुक, बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ दिन है इसलिए लाइट के रिफ्लेक्शन उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, एक बार लाइट जला के भी मैं आपको दिखाती हूँ, बट एक बार आप दूर से देख लीजिए जो वहाँ ब्लू धीरे धीरे आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और जो वो डिफ्यूजर लगाया है मैंने, उसकी लाइट हल्की हल्की आ रही है, वो भी बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फिर और कुछ भी अगर आप लोग बताइए चेंजेस चाहिए तो मैं करूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।